ओके सो हम लोग वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं. ये रास्ता बहुत ही गंदा है. गिर गए कहाँ है? शिट. Hey guys, what's up? My name is Vijay. आज के व्लॉग होगा नैनीताल के ऊपर. सो मैं आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा वहाँ पे क्या है क्या नहीं है. मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ. सो आई विल शो यू एवरीथिंग. Alright people, अब हम आ चुके हैं कार्ड गोदाम. सो यहाँ से नैनीताल के लिए जाना पड़ता है. ऐसा क्यों है? ये मेरी दोस्त है निधि. सो अभी हम कार्ड गोदाम आ चुके हैं. यहाँ से हम देखते हैं हम लोग नैनीताल के लिए कैसे जाएंगे. सो आई टेल यू अबाउट नैनीताल एवरीथिंग. विल ट्राई टू शो यू एवरीथिंग एक्चुअली. सो नाउ वी आर हेयर. सो मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये कैसी जगह है. बहुत शांति है एक्चुअली यहाँ पे. शिट आई एम सो वियर्ड. ओके फाइन. सो आई शो यू द आई शो यू एवरीथिंग. इट्स एक्चुअली ब्यूटिफुल. सो यू गाइस विल लाइक दिस प्लेस. Alright, so this is the place and ये वो जगह. I'll try to show you. भैया वे क्रिकेट खेल रहे हैं अभी और ये मैं एक्चुअली मैंने बता सकता कितना अमेजिंग है. दिस इज अमेजिंग. I'll show you. सो गाइज हम लोग सारी चीज़ें खेल के थक चुके हैं अभी. हम लोग क्रिकेट खेला, वॉलीबॉल खेला एंड थोड़ी और बच्चे वाली चीज़ें खेली हैं. और नाउ इट्स टाइम टू ईट. सो दिस इज़ आर फूड. लजीज है खाने के लिए, मज़ा आ रहा है एंड लेट्स सी आगे क्या करने वाले हैं हम लोग. सो कल का दिन तो भाई बहुत ही ख़राब रहा हमारा क्योंकि कल हमने क्रिकेट खेला, वॉलीबॉल खेला, उसके बाद हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं क्योंकि मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ. और सोने का बिल्कुल जो था ना कि क्या बोलते हैं उसे सोने की बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सोने नहीं दिया यार. वो लोग खुद सो लिए थोड़ी थोड़ी देर, हमें सोने को नहीं मिला. रात को सोए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. मैं सच बता रहा हूँ, प्लीज़ अपने गर्म कपड़े लेकर आना. अगर आप लोग नवंबर, अक्टूबर या दिसंबर में आने की सोच रहे हो तो गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आओ. ओके मैं आप लोगों इसलिए यहाँ पे लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत से लड़कियों का सपना होता है एक अलग तरीके से शादी करने का,
राइट. सो दिस इज़ द प्लेस, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ना एक छोटी सी शादी हो, यू नो, क्रिश्चन वेडिंग हो और आराम से कुछ कुछ सपने देखे होते हैं उन लोगों ने. तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ अभी, और सच में मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है. ट्रैकिंग, और छोटी ट्रैकिंग होने वाली है, सिर्फ 2 घंटों की आएगी. बस यहीं पे रुकेंगे. इसमें थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको अभी. हम जहाँ गए हैं उन्होंने पहले ही बहुत डरा दिया, कह रहे पैर में जोक वगैरह चिपक जाती है. सो शो यू थोड़ा सा व्यू. पबजी के फैंस है मेरे साथ, मेरे दोस्त हैं भाई. मेरे पबजी के ग्रुप का बंदा भाई साहब यहाँ पे भी यहाँ पे पबजी स्टार्ट कर दे, कह रहे नॉर्थ वेस्ट 360 बंदा है. Like this, speaking. बंदा है. चल भाई चल निकाल दे. हमारे साथ एक काला सा दोस्त हमारा, इसका नाम है कालू रखा हुआ है. रात को डिनर भी हमारे साथ ही करता है, सुबह ब्रेकफास्ट भी हमारे साथ ही करता है. अभी जस्ट स्टार्टेड. अरे बनी भैया नॉर्थ वेस्ट में ग्रुप हुआ है. मैं आपको दिखाता हूँ कितने लोग आ रहे हैं. सब जोश में आ रखे हैं. और अब यही है, ये जंगल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही घना है पूरा. मतलब हम लोग एक्चुअली में बीच में कोई मार रहा है. बस ठीक है यार, जोश में आ जाओ तुम लोग. दिस इज अमेजिंग. आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे, बड़ा मस्त फन कर सकते हो लाइक दे आर डूइंग. सो इट्स अमेजिंग टू बी हियर एक्चुअली. और भाई स्पीचलेस है, मजा आ रहा है. यहाँ सब पागल हो चुके हैं. ये लो अपने भाई बंधु है सारे. गाइज, और आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे सात्तल में, और हम यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे भैया आशु भैया, एंड हिज नेम इज शुभम. सो आज हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से हल्द्वानी स्टेशन पे. वहाँ पे मार्केट है छोटी सी, वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा होगा वहाँ का माहौल. क्योंकि अभी आई थिंक 10:30 हो रहा है, हमें यहाँ से 11 बजे निकलना है, और हमें कॉफ़ी पियेंगे और बस फटाफट निकलेंगे. सो मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कैसी है वहाँ की. और लेट्स सी. ओके, तो हम यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं इसका नाम है भिवानी रेस्टोरेंट. और ये हमारे आशुभा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ की ये फेमस कॉफ़ी है. ये भवानी भैया है. यस, ये जो कॉफ़ी जो शॉप है इसको कुछ बनाते हैं, ये भवानी नाम से, और इतनी टेस्टी है. और हमने विजय लेके आए हैं, हम पीने जा रहे हैं, बहुत टेस्टी है. और सरप्राइज जो है वो जो भैया हमें देने वाले हैं, प्लीज़ दे. ये कॉफ़ी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई खर्चा नहीं है.
भैया की तरफ से और हम पूरे हिंदुस्तान में दिखाने वाले हैं, ठीक है? ओके ओके, सो वीडियो देख लो, आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि क्या गलती हुई थी। सपोज टू गो नैनीताल, बट हम लोग सात ताल में रुके, बट ऐसा नहीं है कि सात ताल अच्छा नहीं है गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे और आप लोग बहुत फन कर सकते हो। सो वहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हो आप, मैंने आपको दिखाया नहीं वो वीडियो में क्योंकि मैं डर गया था फोन ना चले जाए पानी के अंदर। वहाँ पे कायाकिंग होती है, बोटिंग होती है वहाँ पे, वो बहुत मस्त होती है। उसके अलावा आप लोग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो सात ताल में। नैनीताल भी अच्छा है, मैं वहाँ पे भी गया हूँ, बट सात ताल भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप बोर होने वाले। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और उसके अलावा यस, एक और चीज़, हमें हल्द्वानी की मार्केट भी जाना था बट मैं वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि हमारा जो ग्रुप था हम लोग बहुत लेट निकले थे वहाँ से और दैट्स वाई हम लोग पहुँच नहीं पाए, हमें ट्रेन भी पकड़नी थी। सो इसी वजह से मैं वो मार्केट कवर नहीं कर पाया, बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्द ही और होप आप लोगों को वो वीडियो भी पसंद आए। Alright, so about the place, भाई विजय तो गया, कौन सी जगह में था? Yes, जगह चीप है, आप लोग अगर 6 बंदों के ग्रुप में जाओगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा क्योंकि 6 बंदों के अकॉर्डिंग एक टेंट पड़ेगा 400 या 450 रुपये का और फूड भी वहाँ पे सस्ता है। सो जगह बहुत अच्छी है और कायाकिंग के लिए अगर आप लोग ज़्यादा बंदे जा रहे हैं तो वैसे तो आपको 200 रुपये बोलेंगे, बट बार्गेन होता है, बार्गेन होता है। उसके अलावा यहाँ से आप ट्रेन से जा सकते हैं, नई दिल्ली से जाती है शताब्दी सुबह 6 o'clock, यस, जिसकी टिकट है 700 रुपये एक साइड की, उसमें खाना भी मिलेगा। अगर आप सुबह जा रहे हैं तो दिन में नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी गाड़ी 11 बजे तक पहुँच जाएगी। और बाकी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो मुझे पूछ लेना। और हाँ, इस जगह के बारे में मैं अभी भी नहीं बता रहा, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या फिर मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं ये बार बार नहीं बोलने वाला कि यार लाइक वाइक करो, बाकी लोग बहुत बोलते हैं, प्लीज़ कर देना यार, ऐसा मत करो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना।